यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जो लेक्चर ऑफ वीडियो सीरीज कर रहे हैं वो है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर सीरीज देखा है तो उसमें मैंने सबसे पहले चेकलिस्ट बताई है आपको कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ में मैंने ये भी बताया है कि पहला टॉपिक जो है पेरिफेरल डिवाइसेस, कैसे डेटा कम्युनिकेट करते हैं हम मशीन को और कैसे मशीन से डेटा वापस कम्युनिकेट होता है यूजर को। तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, आउटपुट डिवाइस क्या करता है, ASCII कोड किसे हम कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो इन सब की जानकारी हमने पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में देख ली है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो आज का टॉपिक है इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझ लीजिए कि ये फाउंडेशन है आगे के नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए। आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर क्लिक कीजिए, आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या है। इंटरफेस का मतलब ये होता है कुछ ऐसी चीज जो दो लोगों के बीच में रखी गई हो। जाहिर सी बात है, जब भी हम दो लोगों के बीच में कोई चीज रखते हैं उसका कोई पर्पस होता है। देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि मेरा जो कंप्यूटर है जो मुख्यतः तीन मॉड्यूल्स के साथ बनाया गया है, मैं ऊपर ये फिगर देख के आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। एक है मेरा प्रोसेसर, दूसरा है मेरा मेमोरी और तीसरा है मेरा आईओ। ये तीन ही मॉड्यूल है मुख्यतः मशीन के। अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इन तीनों मॉड्यूल्स को पढ़ लेंगे तो ये पूरा सब्जेक्ट वैसे ही कंप्लीट है। लेकिन यहां पर कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैंने आपको बताया था इन तीनों मॉड्यूल्स में से जो सबसे फास्टेस्ट मॉड्यूल है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर की जो स्पीड है वो इतनी फास्ट है कि ये दोनों मॉड्यूल्स भी इसको मैच नहीं कर सकते स्पीड में। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने ये पॉइंट आपको बोला था कि सिर्फ एक मेन मेमोरी ही है जो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करता है। एक कैश मेमोरी जो प्रोसेसर के अंदर ही होगा, अगर मेरा लेवल वन कैश है, रजिस्टर भी प्रोसेसर के अंदर होगा और मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को भी मैं प्रोसेसर से इंटरफेस नहीं करा रही हूं, मतलब कम्युनिकेट नहीं करा रही हूं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन फिर से स्पीड का ही है। सेकेंडरी मेमोरी बड़ी है और स्लो है, प्रोसेसर फास्ट है। तो अगर स्लो मेमोरी स्लोली डेटा मेरे प्रोसेसर को देगी बट प्रोसेसर का टाइम तो वेस्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम कभी भी सेकेंडरी मेमोरी की डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं रखते प्रोसेसर के साथ भी। वहां पर वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने आपको समझाया था। अब वही चीज आईओ पे भी लागू होती है। जैसा कि मैंने बोला, आईओ क्या है? आपके सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस में कौन से डिवाइसेस आते हैं? आपके इनपुट आउटपुट और कुछ डिवाइस विच बिहेव एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, जो आईओ का पार्ट है, ये बहुत स्लो है। व्हाई? बिकॉज दे वर्क एट देयर ओन स्पीड। कीबोर्ड हैज अ डिफरेंट स्पीड ऑफ ऑपरेशन, मॉनिटर हैज अ डिफरेंट स्पीड ऑफ ऑपरेशन, प्रिंटर हैज अ डिफरेंट स्पीड ऑफ ऑपरेशन। तो ये जो स्पीड है और सीपीयू का जो स्पीड है, इनके बीच में बहुत भारी अंतर है। फिर क्या करना चाहिए? स्पीड तो मिसमैच हो गया, लेकिन इनपुट आउटपुट का डेटा भी तो जाएगा ना प्रोसेसर के पास, क्योंकि हम आउटसाइड एनवायरनमेंट से ही तो डेटा लेकर फीड कर रहे हैं मशीन को। तो इनके बीच अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो डेटा फ्लो कैसे होगा? तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस। दिस इज एन इंटरफेस बिटवीन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड द प्रोसेसर। कहने का मतलब ये और एक हार्डवेयर है जो रखा जाता है आपके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल और प्रोसेसर के बीच में, ताकि दोनों के बीच का जो स्पीड का मसला है वो सॉल्व हो जाए। देखिए, अगर मैं मेमोरी की बात करती हूं ना, सेकेंडरी मेमोरी और प्रोसेसर की, तो वहां पर सिर्फ स्पीड का इश्यू था। लेकिन अगर मैं आईओ की बात करती हूं तो यहां पे स्पीड तो इश्यू है ही, लेकिन स्पीड के साथ और भी इश्यूज हैं। वो इश्यूज क्या हैं? देखिए, मैंने यहां पर लिस्ट करे हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड सीपीयू इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मेरा प्रोसेसर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है।
तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहां पर सारे रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स, आईसी के साथ बनाया गया है। और आपकी जो डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है, जॉयस्टिक है, मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ये कैसे बने गए हैं? ये या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल से बने गए हैं या इलेक्ट्रो मैकेनिकल मटीरियल से बने गए हैं। तो क्या डिफरेंस है? डेफिनेटली द मेक ऑफ बोथ द मॉड्यूल्स आर डिफरेंट। सो मोस्ट डेफिनेटली आई कैन नॉट लेट द मॉड्यूल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन, डिफरेंट फॉर्मेट्स, ये सारे एग्री करेंगे। प्रिंटर का अपना फॉर्मेट होता है, कीबोर्ड का अपना फॉर्मेट होता है, प्रिंटर का अपना है, मॉनिटर का अपना है। मॉनिटर पिक्सल में डेटा को स्टोर करता है, प्रिंटर अगेन डिपेंड्स, आप लेजर प्रिंटर यूज कर रहे हो, इंकजेट प्रिंटर यूज कर रहे हो। कीबोर्ड का तो मैंने आपको बताया ही था, ASCII कोड लेता है अल्फा न्यूमरिक को कन्वर्ट करके। तो जब फॉर्मेट्स ही अलग अलग हैं, तो मैं इसे डायरेक्टली कैसे कम्युनिकेट करा सकती हूँ प्रोसेसर के साथ? बिकॉज प्रिंटर इज वर्किंग इन इट्स ओन फॉर्मेट, जबकि सीपीयू इज वर्किंग ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट। तो जब स्पीड की प्रॉब्लम है, फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम है, मेक की प्रॉब्लम है, और ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ मैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स को डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करा सकती प्रोसेसर से, तो इसीलिए इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस इंट्रोड्यूस होते हैं। ये एक हार्डवेयर है जो रखे जाते हैं आईओ मॉड्यूल्स और प्रोसेसर के बीच में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस एक्चुअली में कैसे दिखता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहां पर मैंने एक सीपीयू ड्रॉ करा है जो कि मेरा प्रोसेसर है, और साथ ही ये मेरे सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो आप देख सकते हो, जैसे कि प्रिंटर है, जैसे कि कीबोर्ड है, जैसे कि माउस है, और बहुत सारे हो सकते हैं आपके आईओ डिवाइसेस। लेकिन हर एक डिवाइस डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता। बीच में क्या आएगा? आपका आईओ इंटरफेस। और इनकी जरूरत क्या है? इनकी जरूरत इसीलिए है क्योंकि डायरेक्ट अगर कम्युनिकेशन कराएंगे तो फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सब अलग अलग फॉर्मेट में डेटा सेव कर रहे हैं। स्पीड की प्रॉब्लम आएगी, डिजाइन की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि प्रिंटर अलग मटेरियल से बना है, सीपीयू अलग मटेरियल से बना है। तो इसीलिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक बीच में छोटा सर्किट डिजाइन करो, जिसको इनपुट आउटपुट इंटरफेस बोलते हैं। ये हर डिवाइस के साथ एसोसिएट होगा। अब जो भी कम्युनिकेट करना है उस डिवाइस के बिहाफ पे, वो आईओ इंटरफेस करेगा सीपीयू से, और सीपीयू को कुछ भी कम्युनिकेशन करनी हो वो डिवाइस से, वो करेगा वाया इनपुट आउटपुट इंटरफेस से। सो दैट रिड्यूसेस द स्पीड मिसमैच, दैट रिड्यूसेस द फॉर्मेटिंग इश्यू, दैट रिड्यूसेस द डिजाइन इश्यू। इसीलिए इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस यूज करते हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैम ये हार्डवेयर है? यस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस इज अ हार्डवेयर। तो जाहिर सी बात है, इंटरफेस से मेरे पास तीन बसेस आएंगे, एक होगा डेटा बस, एक होगा एड्रेस बस, एक होगा कंट्रोल बस। क्यों? क्योंकि आईओ से डेटा जाएगा, सीपीयू से भी डेटा आ सकता है। सीपीयू अपना डेटा देना चाहता होगा, रिजल्ट प्रोसेस करने के लिए मैं किसको देती हूँ? मॉनिटर ही को तो देती हूँ। तो मॉनिटर पे जाने के लिए वाया सीपीयू ही तो आएगा, वाया आईओ इंटरफेस। मैं डेटा को डालूंगी डेटा बस पे, एड्रेस पे डालूंगी मॉनिटर का एड्रेस, और कंट्रोल पे बोलूंगी दैट इट हैज टू प्रिंट ऑन टू द स्क्रीन। जैसे ही आईओ इंटरफेस के पास ये चीजें आएंगी, वो ऑटोमेटिकली चीजों को डाइसेक्ट करके मॉनिटर को दे देगा, और वैसे हम आउटपुट विंडो के ऊपर देख सकते हैं। हमें लगता है कि सीपीयू ने कोऑर्डिनेट करा, बट सीपीयू ने इंटरफेस के साथ कोऑर्डिनेट करा, ना कि डिवाइस के साथ। तो ये है पॉइंट। तो अब यहां पर तीन तरह की बसेस आ गई आपकी, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डेटा बस कैरी क्या करेगा? इनपुट आउटपुट डेटा या फिर सीपीयू का डेटा। इनपुट आउटपुट डेटा से मेरा मतलब है, मान लीजिए जब आप प्रोग्राम फीड कर रहे हो मशीन को, तो आप कहां से कहां दे रहे हो डेटा? आप कीबोर्ड से कीबोर्ड के इंटरफेस को दे रहे हो, कीबोर्ड का इंटरफेस आपके डेटा बस पे दे रहा है, डेटा बस जाके सीपीयू को दे रहा है। सो दिस इज द वाया चैनल दैट वी फॉलो।
एड्रेस, बस एड्रेस। अगर मान लीजिए सीपीयू में कहां पे उसको जाके सेव होना है तो ऑब्वियसली बात है ना, एड्रेस तो चाहिए मेरे को, क्योंकि अगर मान लीजिए रजिस्टर में जाके सेव होना है तो रजिस्टर का पता तो चलना चाहिए मेरे को। अगर मान लीजिए सीपीयू से रिजल्ट आ रहा है तो उसको भी एड्रेस की जरूरत है कि किस डिवाइस का एड्रेस हो उसके पास, प्रिंटर का हो, मॉनिटर का हो, किसका हो। तो ये एड्रेस बस एड्रेस कैरी करता है, किसका, या तो वो इनपुट डिवाइस का कैरी करेगा जो आपका पेरिफेरल डिवाइस है उसका, या फिर सीपीयू का। और आपका कंट्रोल लाइन क्या करता है, कंट्रोल लाइन बताता है कि आपको करना क्या है। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड से डेटा मैं दे रही हूं सीपीयू को, तो मेरा कंट्रोल बस क्या होगा, दैट यू आर गिविंग इट टू द सीपीयू रजिस्टर, दैट मीन्स यू आर राइटिंग ऑन टू दैट रजिस्टर। तो आपका कंट्रोल फंक्शन क्या बोलेगा कि आप लिखना चाहते हो वो डेटा रजिस्टर पे, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करे। मान लीजिए मुझे आउटपुट देखना है, तो अब फिर से कंट्रोल लाइन आएगा, लेकिन इस कंट्रोल लाइन पे आप क्या लिखोगे, यू आर राइटिंग ऑन टू द मॉनिटर। तो कंट्रोल लाइन बताता है कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हो डिवाइस के साथ या सीपीयू के साथ वाया द आईओ इंटरफेस। इतना ही नहीं, वहां पर एक स्टेटस करके भी होता है। स्टेटस का मतलब होता है डिवाइस का स्टेटस, रेडी स्टेट में है, बिजी स्टेट में है, आइडल स्टेट में है, वो बताएगा सीपीयू को वाया आईओ इंटरफेस। क्यों? ताकि सीपीयू अपना टाइम वेस्ट ना करे। मान लीजिए वो आईओ इंटरफेस को अपना डेटा दे रहा है, लेकिन आईओ इंटरफेस उसको बोल रहा है कि मेरा डिवाइस बिजी है, तो सीपीयू विल नॉट वेट, इट विल डू सम अदर वर्क, इट विल कम बैक व्हेन द डिवाइस इज फ्री अगेन। Now, who is telling that the device is free and the device is busy? The IO interface. It is just like saying you are not endlessly waiting for something which is taking time. If the person is busy, you will meet the person some other time. Similarly, if the device is busy, be it input or output, the IO interface is communicating. That's the status command. There are input commands, there are output commands in IO interface. Jo batate hain ki aapko input ke saath kaam hai ya output ke saath kaam hai. करस्पॉन्डिंगली वो कमांड्स एक्टिवेट होते हैं। तो ये फिगर ये दर्शाता है, इतनी सी बात दर्शाता है कि आईओ के जो डिवाइसेस हैं, जिनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, ये डिवाइसेस के बीच में एक हार्डवेयर सर्किट है आईओ इंटरफेस, जो सीपीयू के साथ उनको डेटा कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है। और ये एक्स्ट्रा हार्डवेयर इसीलिए है ताकि इन दोनों के बीच में जो स्पीड मिसमैच है वो कम हो जाए, इन दोनों के बीच में जो फॉर्मेटिंग डिफरेंस है वो कम हो जाए, इन दोनों के बीच में जो डिजाइन के इश्यूज हैं वो कम हो जाए। तो हाँ, लेकिन ये पॉइंट जरूर है, आईओ इंटरफेस एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर है जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो मशीन के लिए, विच इज फाइन, वो एक हार्डवेयर एक्स्ट्रा है, लेकिन वो जरूरी है। अगर ये बीच में नहीं हुआ तो ना सीपीयू को कभी पता चल पाएगा कि मेरा डिवाइस रेडी है या नहीं, और वो एंडलेसली वेट करता चला जाएगा। और मान लीजिए मेरा डिवाइस रेडी है, जो डेटा वो दे रहा है वो बहुत ही स्लो स्पीड पे सीपीयू को मिल रहा है, तो आईओ इंटरफेस के ना रहने के ड्रॉबैक्स बहुत है और रहने के एडवांटेजेस बहुत है। तो इसीलिए आईओ इंटरफेस को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मानते हैं आईओ ऑर्गेनाइजेशन का। तो हमें दो बातें यहां समझ आई हैं। सबसे पहली बात, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, कहां होते हैं, उनकी जरूरत क्यों है। उसके बाद हमने देखा कि पेरिफेरल डिवाइसेस, कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस डायरेक्ट कम्युनिकेशन में कभी नहीं रहते सीपीयू के साथ, फॉर द रीजंस दैट वी हैव लिस्टेड एंड डिस्कस्ड। तो जाहिर सी बात है ये बीच में होते हैं, हर डिवाइस का अपना, हर पेरिफेरल डिवाइस का अपना आईओ इंटरफेस होगा, जिसके अंदर वो स्टेटस, इनपुट, आउटपुट कमांड स्टोर करेगा। और वो डेटा कैसे देगा बाहर, ऑन अ बस, ऑन अ सिस्टम बस, जहां पर डेटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। सीपीयू भी इंटरेक्ट करेगा आईओ इंटरफेस से, आईओ इंटरफेस भी कम्युनिकेट करेगा सीपीयू से। तो हमने ये दो महत्वपूर्ण बातें आज सीखी हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको आईओ पोर्ट्स के बारे में बताऊंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंटरप्ट्स के बारे में हम जानेंगे। देखिए, इंटरप्ट्स तब आते हैं प्ले में जब हम आईओ ऑर्गेनाइजेशन वाला मॉड्यूल पढ़ते हैं। तो इसीलिए इंटरप्ट्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं, इंटरप्ट हैंडल करने के लिए कैसे सर्किट्स होते हैं, इन सब की जानकारी, आईओ पोर्ट्स की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में जरूर लेंगे।
आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। प्लीज इस टॉपिक को हमेशा सिंक्रोनाइजेशन में पढ़िए पिछले टॉपिक के साथ, पेरिफेरल डिवाइसेस एंड आईओ इंटरफेस, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज के लिए। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।